हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खौजा और बोल सकते हैं फेनी। हम ओरिया में खौजा बोलते हैं। ये खौजा जो है पूरी मंदिर में प्रसाद के रूप में जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, जगन्नाथ महाप्रभु को चढ़ाया जाता है। तो ये प्रसाद मीन्स खौजा हम कैसे बनाएंगे आज देखेंगे। घर में इजीली कैसे बनाया जाता है, इसका कुछ ट्रिक्स है जो फॉलो करेंगे तो अच्छे से बनता है। अगर थोड़ा भी बिगड़ गया तो अच्छे से नहीं बनता है। तो चलो बनाते हैं इसको। तो मैं इसके लिए ले गई हूँ 2 कप मैदा मीन्स रिफाइंड फ्लोर, और उसके हिसाब से 2 कप मैदे के लिए मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी, और 1/2 कप देसी घी का इस्तेमाल करूँगी, 1 कप चीनी, 3 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 पिंच सॉल्ट और लेमन का जूस 1 टीस्पून ले गई हूँ। तो मैदे में मैं 1 पिंच सॉल्ट को डाल दूँगी 2 कप मैदे में, और घी 3 टेबल स्पून डालकर उसको मतलब खास्ता थोड़ा बनाएंगे। ये थोड़ा खास्ता बनता है तो 3 टेबल स्पून घी को हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हम घी, मैदा और नमक को मिलाएंगे। तो हमारा जो 4 टेबल स्पून घी जो बचा हुआ था, तो उसमें हम 3 टेबल स्पून चावल का आटा को मिक्स कर एक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। पहले ये हमारा मिक्सर जो है रेडी हो गया है, तो हम आटा कैसे गूंदेंगे देखते हैं। तो उसमें हम नमक और घी को पहले मिक्स कर लेंगे, और ग्रेजुअली पानी को हम ऐड कर आटा जैसे लगाते हैं वैसा ही ठीक आटा बनाएंगे। तो ये आटा इतना सॉफ्ट नहीं बनता है, ना पूरी के आटे जैसा हार्ड बनता है, ना नॉर्मल रोटी के जैसे सॉफ्ट बनता है। तो इसको थोड़ा सा ही हार्ड बनाएंगे और 10 मिनट्स के लिए ढक कर हमारा शुगर सिरप के लिए मैं एक बोल पर 1 कप चीनी ले गई हूँ और 1 कप पानी को डाल दी हूँ। तो इसको हाई फ्लेम पर हम इसको डिजॉल्व करेंगे चीनी को। तो 1 कप चीनी के लिए 1 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा मोटा सीरा मीन शुगर सिरप बनकर तैयार होगा। ये हार्ड बनता है ये सिरप जो है, तो इसके लिए हम हाई फ्लेम पर चीनी और वाटर को जो है मिक्स करने के लिए रख देंगे, मीन्स बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसमें आधा पानी जो है इवापोरेट हो जाएगा और आधा पानी चीनी में रहेगा। तो इसको हम उंगली की मदद से देखो चेक करेंगे तो एक थ्रेड जैसा बन रहा है, मीन्स हमारा सिरप जो है तैयार हो गया है। और ज़्यादा थिक नहीं करना है हमको, तो इसमें हम क्लैरिफाई करने के लिए हमारा शुगर सिरप को हम 1 टीस्पून लेमन का जूस ऐड करेंगे, मीन्स 1/4 लेमन का जूस को ऐड करेंगे। और हमारा सिरप जो है हम स्लो में अभी रख लेंगे, और हमारा जो आटा था गूंदा हुआ आटा, उसको एक सिलिंड्रिकल शेप में देखो मैं बना ली हूँ। तो इसको मैं 8 पीसेस में डिवाइड करूँगी। तो 8 पीसेस में डिवाइड हो करेंगे और 8 रोटी हम बनाकर तैयार करेंगे। इसमें पूरा 8 रोटी बनकर तैयार होगा। तो 8 रोटी से हम कैसे खाजा बनाएंगे चलो देखते हैं। तो पहले हम रोटी बना लेते हैं एक के बाद एक। जैसे रोटी बनता है एग्जैक्टली हम वैसा ही रोटी का शेप देंगे और उसका रोटी जो है हम बना लेंगे। देखिए ठीक, ये ज़्यादा पतला नहीं रहेगा, जितना रोटी पतला रहता है उतना ही पतला रखेंगे, और ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। तो 8 रोटी बनकर तैयार कर लेंगे पहले बनाकर। तो मेरा 8 रोटी जो है मैं देखिए बना ली हूँ। तो मैं उसमें से 1 रोटी ले गई हूँ, और उसमें मैं क्या करूँगी, मेरा जो चावल का आटा और घी का जो पेस्ट था उसको मैं 1 रोटी में अभी स्प्रेड कर लूँगी ऐसे, और 1 रोटी को इसके ऊपर केयरफुली रख लूँगी। तो एक के बाद एक रोटी ऐसे रखते जाएंगे, 4-4 रोटी का मतलब 2 रोटी का हम ऐसे बना लेंगे। तो 4 रोटी में 2 रोटी बन जाएगा मोटा रोटी ऐसे। तो इसमें लेयर बनेगा चावल का आटा और घी को स्प्रेड करने से हमारा लेयर बनेगा खाजे में। तो देखिए इसको हम स्प्रेड करने के बाद और 1 रोटी रखेंगे, फिर से वही घी और चावल का आटा का मिक्सचर को फिर से स्प्रेड कर लेंगे और 1 रोटी रख लेंगे, मीन्स ऐसा 2 बना लेंगे। 8 रोटी में से 4-4 रोटी में 2 बना रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप मैदे से भी बना सकते हैं, तो ऐसा 1 ही बनेगा। तो देखिए इसको हम स्प्रेड कर केयरफुली थोड़ा करना पड़ता है ये जो है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे और ऐसे केयरफुली रोल बनाएंगे। और ये रोल बना कर थोड़ा देखिए हाथ से ऐसे मल लेंगे थोड़ा, तो जो है शेप में आ जाएगा हमारा रोल। तो इसको हम अपने हिसाब से पतला या मोटा रख सकते हैं खजा का शेप जो है। तो मैं इसको 6 पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा मोटा खजा बनेगा और एक में से मैं
उसको 8 पीसेस में डिवाइड करी हूँ, उसमें थोड़ा सा पतला खजा जो है बनेगा। तो इसको हम इसे डिवाइड करने के बाद इसमें से एक लोई लेकर उसको फिर से थोड़ा सा बेलन की मदद से, देखिए ऐसे लेयर आ गया है ना, तो इसको एक को ले जाएंगे और बेलन की मदद से ऐसे हाथ में दबाते हुए थोड़ा सा रोल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसे स्क्वेयर शेप आएगा, मीन्स खजा का शेप जो है पूरा आ गया है ऐसे लेयर वाइज। तो इसको हम तेल में अभी फ्राई करेंगे। तो मैं तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रखूँगी, पहले से गर्म कर ली थी मेरा तेल जो है, तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पर तलूँगी। अगर हम हाई फ्लेम पर तलेंगे तो पूरा ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, पर स्लो में तेल पी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर अभी रख कर इसको पूरा 10 मिनट के लिए तलेंगे ऐसे पलट कर। तो थोड़ा सा हो गया है तो मैं पलट ली हूँ मेरा खजा जो है, तो मैं एक के बाद एक जो कलर आने के बाद, ब्राउन कलर आने के बाद मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए तो ये सब को मैं क्या करूँगी, मेरा गरम शुगर सिरप जो था उसको मैं स्लो फ्लेम पर रखी थी उसमें डाली हूँ, गरम था, क्यों ना हम अगर बंद कर लेते शुगर सिरप को तो वो हार्ड बन जाता, तो इसके लिए मैं स्लो फ्लेम पर रखी थी। तो उसमें ये खजा को डालकर ऐसे 30 सेकंड के लिए रखेंगे, फिर से पलट लेंगे और 30 सेकंड के लिए रखेंगे, मतलब हम एक मिनट के लिए पूरा खजा को शुगर सिरप पर डुबो कर रखेंगे और उसमें केयरफुली हम निकाल देंगे एक बर्तन पर और ठंडा होने के लिए पूरा आधा से एक घंटे तक छोड़ देंगे। तो वो पूरा ठंडा होने के बाद उसको हम खा सकते हैं, नहीं तो ये गर्म है मुँह जल जाएगा। तो ये देखिए मेरा सारा खजा जो है तैयार था, ये अभी ठंडा हो गया है, तो इसको हम अभी खाने के लिए रख सकते हैं। एक एयरटाइट जार पर अगर कंटेनर पर रखकर रखेंगे आप आराम से एक महीने तक इसको खा सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाकर देखिए, ये जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद है, बहुत ही टेस्टी रहता है, लेयर रहता है, क्रिस्पी रहता है, इसको जरूर बनाकर देखिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगेन थैंक यू, बाय बाय।